क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp पर अपना फोन नंबर कैसे बदलते हैं, तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। कई बार हम अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं और फिर भी अपने WhatsApp के सब कॉन्टैक्ट्स और सारी सेटिंग्स वैसे के वैसे रखना चाहते हैं। आइए सीख लेते हैं कि ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले WhatsApp पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं, फिर नीचे मेन्यू पर गए और सेटिंग्स पर क्लिक कर लेते हैं। अब ये हमारी सेटिंग्स खुल गई। अब अकाउंट में जाते हैं और यहाँ पर चेंज नंबर की ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए, अब ये कह रहा है कि अगर आप नंबर बदलते हैं तो आपके अकाउंट की जानकारी, ग्रुप्स और सेटिंग्स सब माइग्रेट हो जाएंगी या वहां चली जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप SMS और कॉल्स आपके नए मोबाइल नंबर पर पा सकते हैं, और अगर आपके पास एक नया फोन और एक नया नंबर दोनों हैं, तो पहले अपने पुराने फोन में नंबर को बदलिए। तो फोन तो ये मेरा पुराना ही है, बस सिम कार्ड नया डाला है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ऊपर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया। अब ये देखिए, ये एक नई स्क्रीन आ गई। यहाँ पर आपको ऊपर अपना पुराना नंबर डालना है और नीचे अपना नया नंबर। मेरा पुराना नंबर सिंगापुर का है, क्योंकि मैं पहले वहाँ रहती थी, तो मैंने अपना पुराना नंबर ऊपर डाल दिया। और अब नीचे जो है, मैं इंडोनेशिया का अपना नया नंबर डाल देती हूँ। ये मैंने नीचे अपना इंडोनेशिया का नया नंबर डाल दिया, और यहाँ पर मैंने इंडोनेशिया का कंट्री कोड भी डाल दिया है, और ऊपर ये टिक मार्क के साथ डन है, उस पर क्लिक किया। अब वो बोल रहा है, सिंस यू आर चेंजिंग कंट्रीज, चेंज एनी लोकल नंबर्स इन योर एड्रेस बुक टू बी इन इंटरनेशनल फॉर्मेट विद अ कंट्री कोड। यानी कि क्योंकि आप देश बदल रहे हैं, इसलिए जो भी आपके लोकल नंबर हैं आपकी एड्रेस बुक में, उन्हें आप बदल लीजिए, और उनका जो कंट्री कोड है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। तो चलिए कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं, और अब ये कनेक्ट कर रहा है। हमारे नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, तो हम ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये रहा हमारा नंबर, ओके पर फिर से क्लिक किया। ओ, हमारा SMS वेरिफिकेशन जो है वो फेल हो गया है, तो अब हमें कोई और वेरिफिकेशन का तरीका ट्राई करना होगा। यहाँ पर बीच में कॉल मी का बटन है, उस पर क्लिक किया, और अब जो है एक कॉल मुझे आनी चाहिए, और उस कॉल में मुझे एक कोड दिया जाएगा। तो चलिए मैं इसकी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा कर देती हूँ। ओ, ये एक US के नंबर से, पेंसिल्वेनिया से कॉल आ रहा है। चलिए इसको मैं आंसर कर देती हूँ और स्पीकर पर डाल देती हूँ। शायद आपको नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन ये जो कोड है इसको मैं कागज़ पे लिख देती हूँ, नहीं तो मुझे भूल जाएगा, क्योंकि ये एक 6 डिजिट का कोड है, 6 डिजिट का कोड है। चलिए इसको बंद कर दिया, और अब यहाँ पर ये कोड मैं टाइप कर देती हूँ, 90। ओ, शायद यही कोड था। ओ नहीं, ये बोल रहा है कि जो कोड आपने डाला है वो इनकरेक्ट है, और अब हमारे पास 9 चांसेस और हैं। फिर से टाइप कर देती हूँ, टाइपो हो गया था पिछली बार, और अब ये वेरीफाई कर रहा है। ये देखिए, ये वेरीफाई हो गया। मेरा पुराना जो WhatsApp था उसमें मेरा नाम और ये प्रोफाइल फ़ोटो आ गई, और अब मैं ओके पर क्लिक करके देखती हूँ। अब ये इनिशियलाइज़ कर रहा है और कह रहा है कि आपकी सर्विस आपको 9 महीने और के लिए उपलब्ध होगी। ये देखिए, ये मेरे सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स अपने आप आ गए। तो अब हमने WhatsApp पर अपना नंबर सक्सेसफुली चेंज कर दिया। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।